आगामी 24 कलाक में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारे वरसाद थवानी हवामान विभागे आगाही करी छे। हवामान विभागनी आगाही प्रमाणे अरबी समुद्र में एक वेलमार्क प्रेशर सक्रिय थवाथी भारे वरसाद थवानी शक्यताओ छे। वरसादनी आगाही वच्चे राज्यना तमाम पोर्ट पर 3 नंबरनुं सिग्नल लगावायुं छे। आगामी 24 कलाक दरमियान वेलमार्क लो प्रेशर डिप्रेस में परिवर्तन थशे, जेने पगले दरियो पण गांडोतूर थवानी संभावना होवाथी माछीमारोने दरियो नहीं खेडवानी पण सूचना आपी देवामां आवी छे। शुक्रवारे जाफराबाद दरिया में करंट जोवा मळ्यो हतो, जेने पगले बंदर पर 3 नंबरनुं सिग्नल लगावामां आव्युं हतुं। आ पहला हवामान विभाग द्वारा 5 दिवसनी आगाही जाहिर कराई छे। दरमियान दरिया में करंट होवाथी तंत्रे अलर्ट जाहिर कर्युं हतुं, जेने परिणामे माछीमारोने दरियामां न जवा तंत्र द्वारा खास सूचना आपवामां आवी छे। आ उपरांत दरिया पंथकना ग्राम्य विस्तारोमां लोकोमां भय जोवा मळी रह्यो छे। बीजी बाजु हवामान विभाग तरफथी जाणवा मळ्युं छे के अरबी समुद्रमां वेलमार्क लो प्रेशर सक्रिय थयुं छे, जे उत्तर महाराष्ट्रना समुद्रमां सक्रिय छे। आगामी 24 કલાકમાં પશ્ચિમ ઉત્તર પશ્ચિમ તરફ આગળ વધશે, જેને કારણે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના એકાદ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ થશે। वरसाद विराम बाद हाल में उत्तर पूर्वना पवन फूंकाई रहा होवाथी गुजरात में बेवड़ी ऋतुनो अनुभव थई रह्यो छे। अत्रे उल्लेखनीय छे के राज्य में ચોમાસુं विदाय लेवानी तैयारी में छे, त्यारे आगामी 15 થી 17 ઓક્ટોબર दरमियान मध्य गुजरात दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्रना केटलाक भागों में सामान्यथी हळवा वरसादनी हवामान विभागे आगाही करी हती। जेमां तारीख 16 અને 17 ઓક્ટોબર दरमियान सौराष्ट्रना अमरेली भावनगर तथा दक्षिण गुजरात में भारे वरसाद थवानी शक्यता दर्शाववामां आवी छे। बाबूभाई वाढेड, लाइव गुजरात न्यूज़, जाफराबाद।